हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच ऑपरेट करने वाले हैं। तो आज हमारे पास है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बीडी 139। तो अगर बीडी 139 की बात कर रहे हैं तो अगर बीडी 139 को इस प्रकार रखा जाए, देखिए एक तरफ सिल्वर होता है टाइप में होता है पैटर्न, एक तरफ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बीडी 139, ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो राइट साइड वाला होता है वो बेस होता है, बीच वाला कलेक्टर और इधर वाला एमीटर। जैसे हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तो उसी तरह ये है एमीटर, इधर वाला सबसे ये जो है ये है एमीटर, बीच वाला जो है वो कलेक्टर और सबसे किनारे वाला बेस। कुछ इस प्रकार इसका सर्किट है। यहाँ पर हम लोग एक एलईडी लेंगे लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो कनेक्शन करने के लिए एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको लगा लिए हम लोग बीडी 139 एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पे। और देखिए फिर क्या करना है हम लोग को, कलेक्टर से क्या लेना है, एक एलईडी लेना है और 220 ओम का रेजिस्टेंस। 220 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका कलर कोड क्या हो जाएगा, RR, मतलब RR और यहाँ पर ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि कलेक्टर से बीच वाले से एक एलईडी लगा लिए हैं। एलईडी लगाकर एक हम लोग क्या किए हैं 220 ओम का रेड और ब्लैक, इसका 220 ओम का लगा लिए हैं। और इसको कहाँ देना है हम लोग को, 9 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास 9 वोल्ट है। इसको लेकर चले गए यहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक। अब देखिए अब बेस टर्मिनल कौन सा है, सबसे इधर से राइट साइड वाला बेस टर्मिनल से कितना लेना है, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो बेस टर्मिनल से हम लोग 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्ट कर हम लोग इसको भी पॉजिटिव कर दिए हैं, क्योंकि हमको भी यहाँ पॉजिटिव 9 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे 9 वोल्ट। अब एमीटर को ग्राउंड करना था, एमीटर यहाँ पे देखिए पीला वाला तार, इसको क्या करना है, ग्राउंड मतलब निगेटिव देना है, निगेटिव दे दिए। अब हमारे पास बैटरी है, बैटरी का प्लस में लगा देंगे और माइनस को माइनस में। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच बिहेव कर रहा है। यहीं पर अगर मेरे पास एक पुश बटन या स्विच होता तो यहाँ पे लगा देते इसके सीरीज में, और जब हम इसे प्रेस करते तो ये एज अ स्विच बिहेव करता। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।